बरियारपुर चौक पर ऑटो टोटो रिक्शा रिक्शा कई अन्य वाहन को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। खास दिन तो उस दिन जिस दिन छोटे मोटे कई पर्व त्यौहार रहता है तो यहाँ पर बेचने वाले की जो भीड़ है ना, यहाँ रोड पर आ जाती है। आखिर वो बेचने वाला जाएगा तो जाएगा कहाँ, इसका भी मजबूरी है। और 100 दिन में एक दिन ये बेचेगा नहीं तो आखिर जाएगा कहाँ। यहाँ पर ऊपर ऊपर पुल नहीं बनेगा, ऊपर में चौक नहीं बनेगा तब तक यहाँ की नागरिकों की कई तरह की समस्या परेशानी घटना दुर्घटना होते रहेगी। देखिए रामनवमी पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उमंग उछाल आई है। चौक पर कई तरह की दुकान दौड़ी पूरा जमघट लग गया है। आज से लेकर कल तक काफ़ी भीड़ भरकम रहेगा। हालांकि ये सुबह सुबह है तो यहाँ पर आज मार्केट ही लग रही है। यहाँ तक कि ये जो है ना ये रोड यहाँ तक पूरा यहाँ से फैल जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ यात्रियों को भारी परेशानी होती है गाड़ी घोड़ा को टर्निंग लेने में। ये भाई देखिए किस तरह मार्केट अपना लगा रहा है। स्वाभाविक है 100 दिन में एक दिन ये सब जाएगा कहाँ, आखिर करेगा तो क्या करेगा। जब तक ऊपर वाला पुल नहीं बनेगा तब तक यहाँ की स्थानीय व्यक्तियों की दुर्गति इसी तरह रहेगा। देखिए ये चौक चौराहा है, यह चौक पर सब्जी बिक रहा है। बताइए एक ऑटो टोटो रिक्शा रिक्शा वाला व्यक्ति गाड़ी घोड़ा कहाँ पे घुमाएगा। ये चौक चौराहा है, हर व्यक्ति को हर तरह की परेशानी होती है, हर तरह की समस्या झेलना पड़ता है। सवाल आखिर है कि अगर ये व्यक्ति नहीं बेचेगा, ये दुकान दौरी नहीं लगाएगा बाबू ने, तो यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को किस तरह का